हॉस्पिटल गई थी इलाज कराने, लेकिन बीच रास्ते से ही हो गई लापता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज, मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्र, आज की एक बड़ी खबर के साथ। जी हाँ, ये मामला है सहारनपुर की भरमपुरी कॉलोनी का, जहां रूपा नाम की एक महिला जो अपने पति सोनू के साथ घर से अस्पताल के लिए निकली थी, लेकिन पति को कोई काम जरूरी आने के चलते महिला को बीच रास्ते में ही अस्पताल जाने के लिए छोड़ना पड़ा, जिसके बाद बीच रास्ते से ही महिला लापता हो गई। ये घटना है 29 अक्टूबर की। बता दें कि लापता महिला रूपा का एक 6 साल का बच्चा भी है। वहीं पीड़ित परिवार ने जब महिला के लापता होने की थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां पीड़ित परिवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए। भाभी 29 तारीख सुबह 10:30 बजे से लापता है, हम थान उनका नाम रूपा है, और वह यहां से सिविल हॉस्पिटल निकले हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, और रास्ते में से वो गायब हो चुके हैं। हमें ये अपहरण का मामला लग रहा है पूरा, और हम थाने में भी गए, वहाँ पे हमने तहरीर दी, वहाँ तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो सिर्फ लारे दे रहे हैं हमको। उनके साथ उनके हस्बैंड थे, हमारे बड़े भैया, उन्होंने रास्ते में जी तो वो घर से निकले हैं 10:30 बजे, उन्होंने रास्ते में ड्रॉप किया उनको, और अपनी दुकान के लिए निकल गए कि अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे फ़ोन कर देना और मैं आपको लेने आ जाऊँगा। तो उनका उस टाइम से नंबर वो उठा ही नहीं रहे हैं। हाँ जी, और 29 तारीख की बात है, सुबह 10:30 बजे तक हमने पहले थाने में FIR दर्ज कराई है, तो उन्होंने अभी ऐसे रिस्पॉन्स दिया कि कुछ है ही नहीं, आप जाओ यहाँ से, हम कर देंगे जो भी कुछ होगा। फिर हमने SSP के यहाँ पे दिए, तो उन्होंने भी हमें तारे दिए, कोई रास्ता नहीं बता रहा है हमें सही। और यहाँ से जो बिहार पुलिस की लोकेशन आई है, हम आप गए हैं बिहार में, वो तो जो उनके नंबर से उस नंबर पर कॉल की गई थी, वो नंबर ट्रेसिंग पर डाला है उन्होंने, वो बिहार की लोकेशन आई है, तो वहाँ इन्होंने अपना हाथ झाड़ते हुए एक सिपाही ऐसे भेजा जो ना समझे, उन्हें कुछ नहीं पता वहाँ पे भी। सर ये अपहरण का मामला लग रहा है, कोई से भला फुसला के कोई शक नहीं है किसी में मैडम, हमारी किसी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ससुर हूँ उसका। वैसे हमें किसी पर शक नहीं है, और ना ही हमारी किसी से दुश्मन आ गई है, पर रास्ते में से ऐसे गोल हो जाना ये अच्छी बात थोड़ा ही है, कहाँ गई है कुछ नहीं कह सकते हम। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम थाने में जाते हैं, और वहाँ पे पुलिस प्रशासन कहता है कि हम तुम्हारे नौकर हैं क्या, और गाली दे के बोलते हैं ऊपर से, और कहते हैं कि और ऊपर से कहते हैं। मैडम हम चाह रहे जल्दी से जल्द कार्रवाई हुई, कोई ऐसा घटना ना घटे कि उन्हें कोई नुकसान हो जाए, हम यही चाह रहे हैं, प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। जी ये प्रशासन की लापरवाही, मैं सोमपाल सैनी पड़ोसी हूँ। जी तो किसी पे मतलब शक हो, किसी में मतलब जैसे कि शख्स वगैरह डाउट वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे कि पुल के नीचे छोड़ा है, छोड़ने के बाद इतनी प्रशासन की लापरवाही हो चुकी कि कोई भी अनजान लेडीज जाए या वो कोई भी उठा के ले जाएगा, तो ऐसा तो प्रशासन ढीला डाला रहेगा, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, इससे अलावा क्या हो सकता है। हम तो चाहिए इंसाफ मिलना चाहिए, हमें अपना परिवार चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, जिन्होंने उसको किडनैप किया है या गुमराह किया है कुछ भी किया है उनको सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। सहयोग करता तो अब तक ये दिक्कत ना आती, 5-6 दिन हो गए, सहयोग करता तो 5-6 दिन हो गए ये दिक्कत ना आती। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें।